हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एसएमएस फूड मेकर्स में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लॉकडाउन स्पेशल खिचड़ी, जो कि घर में ही जो भी सामान है, जो भी सब्जियां है, उसी से ही मैंने ये खिचड़ी बनाई है। और ये स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। तो इस खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्स्ड सब्जी और लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और लौंग, इलायची, दालचीनी। और मैंने यहाँ पर दो तरह के दाल लिया है, एक चने के दाल और एक मसूर के दाल। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा जो नॉर्मल मसाला होता है, हल्दी, जीरा और नमक लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है घी और सरसों का तेल थोड़ा सा ही लिया है। आप यहाँ पर सोयाबीन तेल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया है, अब तेल डाल दूँगी। अब गरम मसाले को मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी ऑयल में। अब प्याज, हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा भूनना है प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरीके से भूनना है गोल्डन कलर होने तक के भूनना है। अब यहाँ पर मैं जो मसाले लिया था वो एक साथ ही डाल दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स्ड करना है सभी मसालों को। कुछ देर भूनने के बाद अब इसमें मैंने जो मिक्स सब्जी लिया था वो सब्जी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर परवल, आलू और बरबट्टी का सब्जी लिया है। आप यहाँ पर अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि नीचे ना जल जाए। कुछ देर मसालों के साथ सब्जी को भूनना है अच्छी तरीके से। अब जो दाल मैंने लिया था वो डाल दूंगी। इन सभी को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो रहा है, हो गया है। तो कुछ देर और भूनने के बाद देखिए धीरे धीरे मसालों के ने तेल छोड़ दिया है। अब चावल को ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी मैं। चावल को पहले से ही धोकर साफ कर लिया था। अब चावल को भी इन सभी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कुछ देर बाद कलर कितना अच्छा बना है। अब पानी डाल देना है। पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा चावल पकने के लिए, ताकि सभी सब्जी चावल एक साथ ही अच्छी तरीके से पक जाए। अब ढक्कन डालकर पकाना है। देखिए अच्छी तरीके से पक गया है, पानी सूख गया है और चावल भी रेडी हो गया है। तो कुछ देर इसे चम्मच से हिलाना है। देखिए अच्छी तरीके से पक गया है, सारे सब्जी भी पक गया है। अब यहाँ पर मैं घी ऐड कर दूंगी। घी से खिचड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है।
अब इसे मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं एक चम्मच चीनी डाल दूंगी। चीनी पूरा ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो बस इन सभी को मिक्स करके कुछ देर ढक्कन डाल के पकाना है लो फ्लेम में। तो ये देखिए रेडी हो गया है खिचड़ी, और ये स्वादिष्ट भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अब प्लेटिंग की बारी। तो आप भी अपने घरों में इसी तरीके से खिचड़ी ज़रूर बनाइए, एकदम सिंपल। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब थोड़ा गार्निश कर रही हूँ, खीरे अनियन और हरी मिर्च डालकर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।